नोटबंदी और काले धन पर लगाम लगाने के चलते केंद्र सरकार की ओर से 500 और 2000 के नोटों को बाजार में उतारा गया था, लेकिन 500 और 2000 के हूबहू असली नोटों की तरह दिखने वाले बच्चों के खिलौना नुमा नोटों को लेकर लोगों को ठगने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके आए दिन मिसाल देखने को मिल रही है। ऐसी ही ठगी का मामला पठानकोट में कई जगहों पर देखने को मिला, जहाँ ठगों द्वारा नकली नोट देकर पैसे ठगे गए, जिसमें ज्यादातर बुजुर्ग दुकानदारों को अपना निशाना बनाया जा रहा है। TRL अपने दर्शकों से गुजारिश करता है कि अगर वे 500 या 2000 के नोटों का लेन देन कर रहे हैं तो नोट अच्छे से देख लें। मोदी सरकार ने कदम चुका है कि अपना जरा काला धन बाहर करना है, लेकिन ये काले के नाल ओरिजिनल भी बाहर ही जा रहा है। डुप्लीकेट को खूब अगर भी बच्चे की खेड बनाने हैं तो किसी को छोटा करो, बच्चे की खेड नहीं करो छोटा करो, ये सेम टू सेम 500-1000 कोई फिर ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों नोट सेम बनाए गया। एक किसी भी दुकान से जाके इतने करियाने दिखा दो, एक रुपए का एक से दो इन्ने नोट मिलते हैं। असं तो यह मानते हैं कि जो मोदी साहब ने कदम चुकया तो सानू भी सारे लोगों का साथ देना चाहिए। तो प्लीज़ अं रिक्वेस्ट यो करते हैं कि ये नोट बंद किए जाने जिंदा गलत ज्यादा यूज हो रहा है। 500 का नोट देने सौदा लै गया तो नोट जैली मैं अनपढ़ बंदा, मैं पता नहीं लगा, मैं जानता नहीं इस गल क्योंकि आज भी नहीं भुलेखे च फिर कम हो गया देखने नहीं लगता। हाँ ये वो यार धनी काम कर मेरे तो वो आया ही 500 का। सौरभ जोशी, TRL न्यूज़, पठानकोट।